गाइस आज है 16 फेब और आज है मेरी दीदी की शादी, आपको पता होगा। तो गाइस आज है उसके लिए संगीत, सो आई एम गोइंग होटल पे। एक्चुअली आज है लड़के वालों का संगीत, वहाँ होटल है थोड़ा दूर है यहाँ से हमारे घर से, तो हम वहाँ जाएंगे। लड़के वालों जो हमारे जीजा जी हैं उन्होंने हमको बुलाया, हमारे जितने भी भाई बहन हम सबको संगीत है, और कल हमारे घर का संगीत होगा, आज उन लोग का संगीत है। तो आज जाना है होटल पे, अभी नहीं शाम को जाना है, अभी तो टाइम है। और अभी यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा था, बिकॉज मेरा गाइस परसों ही पेपर है, परसों 18 को दीदी की शादी है और 18 को ही मेरा पेपर पढ़ रहा है। मतलब देखो कोइंसिडेंस, और बहुत ही बेकार टाइम है, 1:30 से 4 बजे शाम का पेपर है, मैं क्या ही करूँ। सो गाइस अभी उसकी स्टडी कर रहा था, देखते हैं बाहर चलते हैं और देखते हैं आज क्या होने वाला पूरे दिन भर में। सो लेट्स गो। तो गाइस हमने यहाँ पे एक हलवाई भैया बुक कर लिए थे खाने बनाने के लिए 2 दिन के लिए, तो अभी यहाँ ब्रेकफास्ट में भैया पकौड़े बना रहे हैं मस्त बेसन के। तो गाइस अभी पीछे अपने दिखाया होगा हलवाई भैया ने पकौड़े सेके मस्त एकदम गरम गरम हो रहे हैं, सो इसको खाते हैं और फिर बहुत ही मज़ा आएगा शाम को। मैंने ना डांस भी प्रिपेयर किया है दीदी के साथ, मेरी बुआ जी की लड़की हैं शिवांश जानतोगे आप, उसके साथ और उनकी दीदी के साथ प्रिपेयर किया है। मैंने खुद का सोलो डांस प्रिपेयर नहीं किया बिकॉज मुझे डांस करना ही नहीं आता। चलो अब शाम को डांस करेंगे, फिलहाल तो ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी हॉल में आया हूँ। एक बहुत सी मस्त चीज़ मिली है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। खाने से पहले बता देता हूँ कि आज शाम को तो संगीत है, हम होटल में जाएंगे। सो अभी हल्दी का फंक्शन भी है और मेहंदी भी, आज हल्दी और मेहंदी दोनों है, तो उसके लिए भी यहाँ पर डेकोरेशन हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो गाइस ये हमारी पूरी हल्दी की डेकोरेशन है, नीचे यहाँ पर बेड रखा हुआ है, साइड में ये है और मेन ये है, इसमें देखो बीच में हल्दी भी लिखा हुआ है। और ये सब हमने घर पे कर गया है, दीदी लोग ने सबको मिल के साथ हल्दी लिखा है बीच में, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। फंक्शन में बहुत सारे दो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देखो सब पीला पीला पहने हुए हैं। सो गाइस शिवांश भी यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि शादी है, सगाई में भी आया था, उसने ब्लॉग डाला था और ये भी ब्लॉग बना रहा है, तो आप इसका भी ब्लॉग देख सकते हो, पर इससे अच्छा ब्लॉग मैं बनाता हूँ, सही बात है। सो गाइस हमारी अलमारी भी लग चुकी है पीछे, पहले आपको देखा हुआ सिर्फ ऊपर ऊपर की लगी थी, अब यहाँ की भी कन्फर्म हो चुकी है। ये कली लगी है और कितनी मस्त लग रही है देखो, एकदम बाहर से पूरे नीचे से ऊपर तक, पहले से ऊपर की लगी थी, अब यहाँ की भी लग चुकी है। और ये बेड वगैरह मतलब पूरा एक कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी बाहर बहुत लोग हैं बिकॉज आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, क्योंकि भाई फंक्शन है, शादी है, तो भाई लोग तो आएंगे, से थोड़ी नॉइस आएगी, एडजस्ट कर लेना। तो वैसे अभी एक बच्चों का, और अभी मैं रोड पे हूँ और पीछे देख सकते हो कितने सारे लोग हैं। अभी क्या आज हल्दी है ना, तो सब लोग येल्लो येल्लो पहने हुए, और अभी यहाँ पे एक माता का मंदिर है, वहाँ पे हल्दी की पूजा होने जा रही है, तो हम भी जा रहे हैं देखने क्या होता है भाई पहली बार। यहाँ देखो सारी लेडीज वगैरह पीछे खड़ी हुई हैं, सब येल्लो येल्लो। सो गाइस ये है मंदिर, हम आ चुके हैं, यहाँ पे शिव जी हैं और यहाँ गाय है और ये है मेन माता जी। सो गाइस यहाँ पे अपनी मेन पूजा जो होती है माता जी, ये हल्दी की है वो मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे ये दीदी रेड साड़ी में दीदी पूजा कर रही है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, पहले मैं बहुत भी शादी हुई है तब मैं छोटा था तो मुझे याद नहीं है। सो गाइस अभी दीदी ने एकदम से ढोल वालों को बुला लिया, वहाँ पे बाहर पर ढोल वाले थे, दीदी ने उनको बुला लिया, बाहर एकदम मस्त डांस हो रहा है, आपको दिखाता हूँ, मतलब बहुत ही ढोल बज रहा है। Thank you.
मेरा डांस सब हो चुका है और अभी दो बज रहा है और पीछे हो रहा है लंच। और भैया है कल भाई, उन्हें लंच खाना बनाती है, दो तीन दिन से वही खाना बना रहे हैं बिकॉज किसी को टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम रहते हैं। फिलहाल चलते हैं और लंच करते हैं। सो गाइस अभी लंच वंच हो चुका है और आवाज़ आ रही है, गाने वाने बज रहे हैं। अभी हो रहा है अंदर तेल और हल्दी, चले आपको अभी दिखा। सो गाइस अभी यहाँ पे तेल का फंक्शन चालू हो चुका है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाले गाने वगैरह बज रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोलता था आपको सुनाई भी नहीं देता। तो अभी मेरी बुआ जी दीदी को तेल चढ़ा रही हैं, ऐसे पहले घुटने पे, फिर मुंह पे, फिर अलग अलग जगह पे तेल लगाते हैं, ये पूरी परंपरा होती है। हल्दी का फंक्शन चालू हो चुका है, यहाँ पे उनके हाथ में कंगना बांधा जा रहा है जिसको हल्दी भी कहते हैं, उनके हाथ पे बांधते हैं। सो गाइस भाटो डांस हो रहा था, यहाँ पे सारी लेडीज़ ने अपना ढोल पकड़ लिया, यहाँ पे मस्त यहाँ पे भजन गाने वगैरह हो रहे हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 6 और अभी हम निकल रहे हैं महिला संगीत में होटल पे। अभी तो मैं कोई रेडी वेडी भी नहीं हूँ, सुबह का वही कुर्ता पहना हुआ हूँ, अभी रेडी होता हूँ और अभी इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ बिकॉज पहले ही पूरा हल्दी का फंक्शन कवर हो चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला व्लॉग बन चुका है। सो अब मैं महिला संगीत का दोबारा चालू करूँगा इसके बाद, मतलब डबल डबल व्लॉग बना रहा हूँ मैं एक दिन में क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ज़्यादा बड़ा भी ठीक नहीं डालना, इसलिए अब आपको मिलते हैं महिला संगीत वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.